जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। तो देखिए स्टूडेंट, इस चैप्टर के बारे में जो मेटल एंड नॉन मेटल है उसके बारे में आपने जो क्लास 8 थी आपकी उसके अंदर आपको आपने इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। और अगर आपने इस टॉपिक को एट क्लास में अच्छे से नहीं समझा है तो इस टॉपिक को एंड तक देखें, इस वीडियो को एंड तक देखें और एंड तक देखने के बाद आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। इस टॉपिक के अंदर मैं कुछ बेसिक बातें भी करूंगा जो एट क्लास में थी और उसके साथ अपन एडवांस लेवल पे भी चलेंगे। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक मेटल्स एंड नॉन मेटल। देखिए स्टूडेंट, जितने भी आपके मेटल लाइक देखो तो स्टूडेंट जो आपके पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट होते हैं वो कितने होते हैं टोटल आपको पता है 118। अपन ने जो नाइन्थ क्लास थी उसके अंदर अपन ने बात की थी एलिमेंट के बारे में। नाइन्थ क्लास के अंदर अपन ने एलिमेंट को अच्छे तरीके से समझा था। एलिमेंट क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर एक ही टाइप के एटम प्रेजेंट हो, सिमिलर टाइप ऑफ एटम अगर किसी सब्सटेंस में प्रेजेंट होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, एलिमेंट बोलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो एलिमेंट है वो कितने एग्जिस्ट करते हैं, 118 एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा भी लगातार क्या किया जा रहा है, नए जो एलिमेंट्स हैं उनकी खोज की जा रही है। तो देखिए स्टूडेंट, जो एलिमेंट है वो कितने होते हैं, 118 एलिमेंट होते हैं। अब इनमें से क्या है, कुछ तो क्या है मेटल है बेटा, कुछ तो क्या है मेटल्स है, कुछ क्या है बेटा नॉन मेटल है, कुछ क्या है आपके नॉन मेटल्स, और कुछ एलिमेंट मेटलॉइड्स हैं, कुछ एलिमेंट क्या है बेटा मेटलॉइड्स। तो बेसिकली जो 118 एलिमेंट है इनको कुछ को तो क्या बोलते हैं अपन, मेटल्स बोलते हैं, कुछ को अपन नॉन मेटल्स बोलते हैं और कुछ को अपन मेटलॉइड्स बोलते हैं। और इस चैप्टर में अपन बात इसके बारे में करेंगे, मेटल और नॉन मेटल के बारे में। इन एलिमेंट को किस बेस पर बताया गया था कि भाई इन एलिमेंट में ये तो मेटल होगा ये नॉन मेटल होगा, ऐसा क्या एलिमेंट के अंदर देखा गया था कि जिससे ये बताया गया कि ये तो आपका मेटल है और ये आपका नॉन मेटल है। तो देखिए स्टूडेंट, जो आपका एलिमेंट होता है उसके अंदर कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ली गई थी, एलिमेंट्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज और साथ ही साथ उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, इन दोनों प्रॉपर्टीज को बेस बनाकर, एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी को बेस बनाकर क्या बताया गया था, मेटल और नॉन मेटल के बारे में बताया गया था। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या थी उसके बारे में अपन जानेंगे। ओके स्टूडेंट, तो अब बात करते हैं अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, और ये आपका जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो चुका है। तो देखिए स्टूडेंट, अब बात करेंगे अपन किसके बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो देखिए स्टूडेंट, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या क्या होती है मेटल्स की और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, ये अपन ओनली फॉर पॉइंट से ही समझ लेंगे इसको। अच्छे से इस टॉपिक को देखना, आपको अच्छे से देखोगे अच्छे से समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट, तो मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, तो देखिए जब अपन मेटल को क्या करते हैं बेटा, टच करते हैं, जब अपन किसी भी मेटल को छूते हैं उसे अपन देखते हैं तो बेटा वो कैसा लगता है आपको, हार्ड लगता है। कैसा लगता है आपको, हार्ड लगता है। इसका मतलब क्या है कि जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, हार्ड होते हैं। कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। हार्ड के साथ साथ कैसे होते हैं बेटा, ये सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं, सॉलिड। लेकिन याद रखना इसके अंदर एक एक्सेप्शन आएगा, वो याद रखना बेटा। एक्सेप्शन के रूप में अगर आप लोग देखोगे तो एक्सेप्शन में आपका आएगा मर्करी। क्या आएगा, मर्करी, जिसे अपन Hg से भी डिनोट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो मरकरी है आपका, अब बोले सर मरकरी जो है वो कैसे सॉलिड, तो मरकरी जो है वो कैसे एक्सेप्शन होगा। तो देखिए स्टूडेंट, मरकरी जो होता है आपका, जो मरकरी है वो बेसिकली क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर, इस पर रूम टेम्परेचर पर किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। किस स्टेट में होता है बेटा, लिक्विड स्टेट। तो जो मरकरी जो मेटल है आपका वो नॉर्मल जो टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पर क्या होता है बेटा, ये आपका लिक्विड स्टेट में होता है। इसके बाद अगर अपन मेटल की एक और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, तो जब भी आप किसी प्योर मेटल को देखोगे लाइक गोल्ड, गोल्ड भी क्या है, मेटल ही तो है।
तो जब आप किसी प्योर मेटल को देखते हो तो प्योर मेटल को देखने के बाद आपको कैसा दिखता है वो, जैसे ही आप प्योर गोल्ड को देखोगे तो वो काफी ज्यादा शाइन करता है। क्या करता है वो? शाइन करता है, बहुत ही ज्यादा चमकेगा, वो चमकदार दिखेगा। अब ये जो आपका शाइन करने की प्रॉपर्टीज होती है, तो बेसिकली आपका जो गोल्ड होता है, प्योर गोल्ड है, वो क्या दिखता है आपको? शाइन दिखता, मतलब शाइन करता हुआ दिखाई देता है, यानी वो चमकता हुआ दिखाई देता है। और किसी भी मेटल की इस प्रॉपर्टीज को अपन क्या बोलते हैं बेटा, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं लस्टरनेस। क्या बोलते हैं? लस्टरनेस। तो व्हाट इज द मीन ऑफ लस्टरनेस? लस्टरनेस का मतलब क्या होता है? इट इज द एबिलिटी ऑफ शाइनिंग, या इट इज अ प्रॉपर्टी, और इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ शाइनिंग इज कॉल्ड इट्स लस्टरनेस। कोई भी मेटल शाइन कर रहा है, उस मेटल की शाइन करने की जो प्रॉपर्टी जो उसे बेटा क्या कहेंगे अपन, उसे अपन लस्टरनेस कहेंगे। तो ये क्या होता है? मेटल की तीसरी प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इसकी मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी, अब बोले सर ये मेलिएबिलिटी क्या है? तो देखिए स्टूडेंट, मेलिएबिलिटी का मतलब होता है कि जब अपन किसी आयरन ब्लॉक को, जब अपन क्या करते हैं किसी आयरन ब्लॉक को लगातार अपन पीट रहे हैं, उसे बीट कर रहे हैं, तो जब अपन क्या करते हैं किसी भी आयरन ब्लॉक को या कोई भी मेटल है आपका, उसको अगर अपन लगातार पीटते हैं, तो बेटा पीटने के बाद या बीट करने के बाद वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी? एक थीन सीट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी? एक थीन सीट के अंदर। अपन ने इसको पीटा और पीटने के बाद क्या होगी, ये एक पतली, एक थीन आपकी सीट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और इस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं बेटा? मेलिएबिलिटी बोलते हैं। तो व्हाट इज द मेलिएबिलिटी? व्हेन वी बीट ए मेटल बाय हैमर, जब अपन क्या करते हैं किसी मेटल को हैमर की हेल्प से बीट करते हैं, उसे पीटते हैं लगातार, तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी? दे कन्वर्ट इन टू थीन सीट, यानी कि वो एक पतली सीट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और इस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं बेटा? इसकी मेलिएबिलिटी बोलते हैं। तो ये क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल की। तो फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? मेलिएबिलिटी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है बेटा वो आती है डक्टाइलिटी। क्या आती है? डक्टाइलिटी। तो व्हाट इज द मीन ऑफ डक्टाइलिटी? क्या मतलब होता है डक्टाइलिटी का? तो देखिए स्टूडेंट, डक्टाइलिटी का मतलब है कि जब अपन किसी मेटल से क्या बना रहे हैं? वायर बना रहे हैं। जब अपन किसी मेटल से वायर का फॉर्मेशन कर देते हैं तो मेटल की इस प्रॉपर्टी को, उस सब्सटेंस की इस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं? डक्टाइलिटी बोलते हैं। डक्टाइलिटी का मतलब क्या है? डक्टाइलिटी एक मेटल की प्रॉपर्टी है जिसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, मेटल से क्या बनाए जा सकते हैं? वायर बनाए जा सकते हैं। मेटल से वायर क्यों बनाए जा सकते हैं? क्योंकि उनके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है? डक्टाइलिटी की प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। डक्टाइलिटी में क्या आता है कि कोई भी सब्सटेंस अगर क्या कर रहा है, वायर का फॉर्मेशन कर रहा है, कोई भी सब्सटेंस अगर वायर का फॉर्मेशन कर रहा है तो उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी देखने को मिलती है? डक्टाइलिटी प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। यह भी इसका क्या है? कैरेक्टर प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो इट्स कंडक्टिविटी। भैया तो सभी जानते हैं, ये तो सभी जानते हैं कि भाई जो कंडक्टिविटी है वो तो मेटल्स को देख, मेटल्स के अंदर देखने को ही मिलेगी। मेटल्स कंडक्टर नहीं होंगे तो क्या होगा? मजा आएगा? अरे कहां मजा आएगा, मेटल तो कंडक्टर होने चाहिए। मेटल तो क्या होने चाहिए? कंडक्टर होने चाहिए। तो मेटल की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या होती है आपकी? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब क्या है कि अगर कोई भी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस में अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है या आपका जो टेम्परेचर है वो फ्लो कर रहा है, इसका मतलब वो क्या होंगे? कंडक्टर होंगे। किसके? टेम्परेचर और इलेक्ट्रिसिटी के। तो कंडक्टिविटी का मतलब क्या है कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, अगर टेम्परेचर फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? आपकी कंडक्टिविटी प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट की, पहले तो बात कर लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा। जिस फिक्स्ड टेम्परेचर पर, एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर अगर कोई सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा? उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ये जो मेल्टिंग पॉइंट का जो पार्ट है आपका, वो मैंने 9th क्लास की जो वीडियोस है उनके अंदर मेरा बनाया हुआ है। आई बटन पे आपका लिंक आ रहा होगा, वहां से क्लिक करें और इस वीडियो को आप
देख सकते हैं, उसमें आपको मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो यहाँ पर जो मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बेटा क्या होता है, काफी हाई होता है, काफी ज्यादा इनका मेल्टिंग पॉइंट अपन को देखने को मिलता है। जैसे कि गोल्ड है, आयरन है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 1000 डिग्री सेल्सियस, 1400 डिग्री सेल्सियस, इतना ज्यादा क्या होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है जो क्या होती है मेटल्स की होती है। अब अगर मैं इसी में क्या बोल दूं, अगर मैं जैसे मान लो इसी के अंदर मैं आपको नॉन मेटल के बारे में बताऊं, तो जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, छूने में कैसे होते हैं, हार्ड नहीं होते बेटा, छूने में कैसे होते हैं, नॉन मेटल जो होते हैं वो छूने में आपको कैसे लगते हैं बेटा, सॉफ्ट लगते हैं, कैसे लगते हैं, सॉफ्ट लगते हैं। इसके अलावा ये कैसे होते हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों ही स्टेट में ये एग्जिस्ट करते हैं। कि सॉलिड के अंदर अपन देखेंगे तो जैसे मान लो आपका कार्बन है, कोयले के रूप में आपको मिलता है। इसके अलावा जैसे कि आपका गैसेस के रूप में हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन, ये सभी इसके अंदर आती है। क्लोरीन हो गया, ब्रोम, बेसिकली क्लोरीन जो है वो गैस के रूप में मिलती है। अगर आपको जैसे मान लो आपको अगर बात करना हो कि लिक्विड स्टेट में क्या मिलेगा, ब्रोमीन, ब्रोमीन किस में मिलता है बेटा, लिक्विड स्टेट में मिलता है। तो ये सभी क्या है, सभी जो है वो बेसिकली जो आपका नॉन मेटल होता है वो क्या होता है, सॉलिड में भी एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड में भी एग्जिस्ट करेगा, गैसेस में भी एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये कैसे होते हैं, लस्टर होते हैं, नहीं, ये क्या होते हैं बेटा, नॉन लस्टर होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन लस्टर, यानी इनके अंदर शाइनिंग करने की प्रॉपर्टीज नहीं होती, इनके अंदर शाइनिंग करने की जो प्रॉपर्टीज है वो अपन को देखने को नहीं मिलती। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो क्या मेलिएबल होते हैं, नहीं, इट इज ए नॉन मेलिएबल। जो नॉन मेटल होते हैं आपके वो क्या होते हैं, नॉन मेलिएबल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन डक्टाइल। कंडक्टिविटी उनमें प्रेजेंट होगी, कंडक्टिविटी उनमें प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वो होता तो नॉन मेटल है लेकिन उसके अंदर क्या होती है, कंडक्टिविटी प्रेजेंट होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो मॉडरेट होता है, कम भी होता है इसमें और कुछ क्या क्या होता है, मॉडरेट भी आपका रहता है। तो ये कुछ आपकी मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, और इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अपन क्या कर सकते हैं, मेटल और नॉन मेटल को अपन डिवाइड कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को अपन बता सकते हैं कि ये तो ये क्या है आपका, ये तो आपका मेटल है और ये आपका नॉन मेटल है। अगर आपको कुछ समझना हो तो ऐसे समझ सकते हो आप कि जो मेटल वाला जो सीरीज आएगा, अगर पीरियड टेबल में आप देखोगे तो जो एस ब्लॉक की तरफ है ना, जो ये इस तरफ वाला जैसे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक में जो 13 ग्रुप है ना, उसके पहले पहले वाले जितने भी आपके एलिमेंट है वो सब क्या होंगे, मेटल होंगे। उसके बाद के जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मेटल, वो आप कह देते हैं मेटलॉइड्स के अंदर, और उसके बाद जो होते हैं वो रहते हैं नॉन मेटल। तो पीरियड टेबल में पी ब्लॉक के जो 13 ग्रुप होता है उसके इस तरफ वाले जो है वो क्या होंगे, वो आपके मेटल्स हैं। जो आपके नेक्स्ट वाले हैं वो मेटलॉइड होते हैं। इसके अलावा जो लास्ट वाले जो होते हैं पीरियड टेबल में, जो 15, 16, 17 के करीब, वो क्या होते हैं, सभी नॉन मेटल होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अपन क्या कर सकते हैं, मेटल और नॉन मेटल को डिवाइड कर सकते हैं। और आपने अभी देख लिया होगा कि जो आपके मेटल और नॉन मेटल हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। बहुत ही ईजी है ये टॉपिक, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए स्टूडेंट, कुछ एक्सेप्शन ले लेते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है तो मैं इसको अलग से बता रहा हूँ, क्योंकि एक दो चीज के बारे में मैंने आपको बता दिया लेकिन इसके बारे में अपन दोबारा बात करेंगे। कुछ पॉइंट्स है, जैसे पहला है कि जो आपका मरकरी है, ठीक है, जो मरकरी होता है वो मेटल होते हुए भी किसमें एग्जिस्ट करता है बेटा, ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। यानी जो मेटल की स्टेट होती है, मरकरी जो है वो क्या करता है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट, तो इसके बाद अपने बात की थी कि जो मेटल होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही हाई होता है, क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। लेकिन जो आपका एक होता है आपका गैलियम, क्या होता है, मेटल होता है गैलियम और सीजियम। तो जो गैलियम और सीजियम है वो मेटल होते हुए भी इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है बेटा, काफी लो होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट गैलियम और सीजियम का क्या होता है, काफी लो होता है। इसके साथ थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है आपका, आयोडीन। इसके लिए है आपका आयोडीन के लिए। तो देखिए स्टूडेंट, आयोडीन जो है वो बेसिकली होता तो क्या है, नॉन मेटल है। तो अगर पूछा कि भाई इसके अंदर शाइनिंग करने की प्रॉपर्टीज देखने में मिलती है, तो आपने कहा नहीं सर, इसमें नहीं देखने में मिलती। क्यों नहीं देखने में मिलती, क्योंकि ये क्या होता है, नॉन मेटल होता है। लेकिन बेटा यही क्या है, एक्सेप्शन है कि आयोडीन जो है वो क्या होता है, नॉन मेटल होते हुए भी बेटा ये क्या होता है, लस्टर होता है। क्या होता है बेटा, लस्टर होता है। यानी इनके अंदर शाइन करने की प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। आयोडीन जो होते हैं वो शाइन करते हैं, चमकते हैं। अगर फोर्थ की मैं बात करूं, फोर्थ पॉइंट की,
बारे में। तो कार्बन के लिए आपने देखा होगा कार्बन के कुछ एलोट्रोप्स होते हैं जिनके अंदर आपका एक तो आता है जैसे कि आपका डायमंड है, क्या होते हैं डायमंड। अब आपने डायमंड के बारे में सुना होगा, ये डायमंड जो होता है वो काफी हार्ड होता है, क्या होता है बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है। इसके लिए ये कहा जाता है जो कोहिनूर है, कोहिनूर के लिए ये कहा जाता है कि अगर किसी हैमर से अगर अपन कोहिनूर को तोड़ना चाहे तो हैमर टूट जाएगा लेकिन कोहिनूर नहीं टूटेगा, ठीक है ना। आपका जो डायमंड है वो काफी हार्ड होता है, बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। रीजन क्या है इसमें, जो कोवेलेंट जो बॉन्डिंग होती है इसकी, जो बेसिकली डायमंड के अंदर जो कार्बन कार्बन बीच कार्बन कार्बन जो बॉन्ड बनते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं, जिसके कारण क्या होता है इसमें हार्डनेस बहुत ही ज्यादा। ये क्या होता है आपका अपने पूरी प्रकृति के अंदर यानी कि नेचर के अंदर ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कहलाता है। पूरी प्रकृति के अंदर जो सबसे हार्डेस्ट जो सब्सटेंस है वो क्या होता है डायमंड होता है। और याद रखना बेटा इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, अगर हार्ड है काफी ज्यादा क्या है हार्ड है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है बेटा हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है स्टूडेंट हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है हाई होता है। और इसके साथ साथ इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, व्हाट इज द मीन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि जिस टेम्परेचर पर लिक्विड क्या होने लग जाए बॉइल होने लग जाए वो भी क्या होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट भी काफी ज्यादा हाई होता है। बट अगर इसी के एक इलेक्ट्रोड को ले लिया अपन जिसे अपन बोलते हैं ग्रेफाइट, क्या बोलते ग्रेफाइट बेटा, ग्रेफाइट जो होता है वो छूने में कैसा लगता है बेटा सॉफ्ट लगता है, कैसा लगता है सॉफ्ट। ग्रेफाइट जो होता है उसकी सरफेस कैसी लगती है बेटा सॉफ्ट लगती है। लेकिन अगर अपन नेक्स्ट अगर अपन देखें कि जो ग्रेफाइट है वो क्या है नॉन मेटल है, कैसा है आपका सॉफ्ट होगा। इसके साथ अगर अपन देखें कि जो ग्रेफाइट है क्या कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, अगर आपका आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, वैसे मैंने बता दिया है, मैंने आपको प्रॉपर्टीज के तो बता दिया कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है ग्रेफाइट, नॉन मेटल होते हुए भी होता है। तो यहां पर क्या होगा जो ग्रेफाइट है वो क्या होता है, इट इज ए कंडक्टर, इट इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर वो नहीं है, बस कंडक्टर नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें से फ्लो कर सकती है। तो बेसिकली जो ग्रेफाइट होता है वो कैसा होता है सॉफ्ट होता है और साथ में कैसा होता है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। तो ये कुछ एक्सेप्शन है जो आपको ध्यान में रखने हैं। पहला क्या है आपका मरकरी जो होता है वो कैसा होता है लिक्विड स्टेट में होता है, ये मेटल होते हुए भी क्या होगा लिक्विड स्टेट में होगा। इसके साथ जो गैलियम और सीजियम है उसके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं बहुत ही कम होते हैं। मेटल का मेल्टिंग पॉइंट वैसे तो क्या होता है बहुत ही ज्यादा होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम मेटल होते हुए भी इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। आयोडीन जो है वो है तो नॉन मेटल लेकिन वो क्या होता है शाइनी होता है, क्या होता है आपका शाइनी होता है, इसलिए इनके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है लस्टर की प्रॉपर्टीज इनके अंदर देखने को मिलती है, लस्टरनेस जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट होती है। कार्बन जो है वो नॉन मेटल है लेकिन इनके जो एलोट्रोप होते हैं डायमंड वो क्या होता है इट इज ए हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द नेचर, यानी प्रकृति में सबसे हार्डेस्ट जो सब्सटेंस है आपका वो क्या होगा डायमंड होगा। और ये हार्ड होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत ही हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी इसका हाई होता है। ग्रेफाइट की अगर बात करें ये है तो क्या आपका नॉन मेटल सॉफ्ट होता है, अगर नॉन मेटल है तो क्या इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा, नहीं होगा, लेकिन क्या होता है ग्रेफाइट जो है वो क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। ओके स्टूडेंट, तो इतनी बात हुई, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्टूडेंट लिथियम सोडियम और पोटेशियम, ये तीनों ही क्या है मेटल है, ये तीनों ही क्या है बेटा मेटल है, लिथियम सोडियम और पोटेशियम ये तीनों ही क्या होते हैं मेटल होते हैं। अब मेटल के लिए तो अपन ने क्या पढ़ रखा था, मेटल के लिए तो अपन ने बोल रखा था कि भाई मेटल क्या होते हैं हार्ड होते हैं, मेटल क्या होते हैं हार्ड होते हैं। इसका मतलब क्या इन्हें आसानी से कट किया जा सकता है, नहीं, इनको आसानी से कट नहीं किया जा सकता, इनको आसानी से ब्रेक नहीं किया जा सकता, लेकिन ये मेटल होते हुए भी लिथियम सोडियम और पोटेशियम मेटल होते हुए भी बेटा क्या होते हैं मेटल होते हुए भी ये क्या होते हैं काफी सॉफ्ट होते हैं। और इनको नाइफ की हेल्प से आसानी से इसको कट किया जा सकता है। यानी अगर आपने पोटेशियम को देखा हुआ है, जैसे पोटेशियम आपने हाथ में रखा, पोटेशियम लिया आपने और उसको अगर आप नाइफ से कट कर रहे हो ना तो वो आसानी से आराम से क्या होगा जैसे आप आलू काटते हो ना वैसे ही आलू की तरह वो कट जाएगा। तो यहां पर क्या होता है लिथियम सोडियम और पोटेशियम जो है वो बेसिकली क्या होते हैं सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट होने के कारण इनको आसानी से अपन क्या कर सकते हैं इनको कट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये आपके जो एक्सेप्शन थे कुछ वो अपने कंप्लीट हुए, एक्सेप्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आपको समझना है। तो स्टूडेंट जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो आपका काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना आपको, अच्छे से इस पे गौर करना है। तो देखिए स्टूडेंट क्या है आपका टॉपिक कि जब अपन क्या करते हैं नॉन मेटल को, जब अपन नॉन मेटल को किसके अंदर मिक्स करेंगे वॉटर के अंदर, तो आपको पता है, देखिए स्टूडेंट आपको पता है कि अगर आप क्या करते हो जैसे मान लो
सल्फर जो आपका सल्फर जो है उसको आपने मिक्स कर दिया किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा बेटा SO2+H2। ठीक है, क्या ये बैलेंस है, क्या ये बैलेंस है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन एक ही है। तो अपन यहाँ पे कितना लगा देंगे, 2 लगा देंगे, तो कितना हो गया 4, तो यहाँ पे 2 लग गए, ये बैलेंस है। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से अगर सल्फर को अगर आपने वाटर के अंदर मिक्स किया तो क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा, वाटर हाइड्रोजन बन जाएगा। तो बेटा यहाँ पे जो सल्फर डाइऑक्साइड बना है जो क्या बना था, सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड का नेचर क्या होगा, यानी अगर अपन उसे देखें कि वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा, क्या नेचर होगा सल्फर डाइऑक्साइड का? तो देखिए फ्रेंड, जब भी अगर आप, तो फ्रेंड देखिए, जब भी आप किसी नॉन मेटल को, सल्फर क्या है, नॉन मेटल है, कैसे देखा अपन ने, तो ये किसमें आता है, ऑक्सीजन ओ स्टाइल से टिको, ठीक है ना। तो इसमें क्या आ गया, ऑक्सीजन वाली जो रो है उसके अंदर क्या है आपका, सल्फर आया। तो ऑक्सीजन कौन से में आता है, तो देखिए 13, 14, 15 और 16 ग्रुप के अंदर ये क्या आता है, जो ऑक्सीजन वाली रो है वो आती है। तो बेटा एक बात बताओ, मैंने आपको बोला था कि 13 वाला जो ग्रुप है उसके साथ वाले जो इस तरह वाले हैं वो क्या होंगे, मेटल्स होंगे। इस तरह वाले क्या होंगे, नॉन मेटल होंगे। तो ये किस तरह वाला, इसी तरफ वाला ना, तो इस तरह वाले नॉन मेटल है, तो यहाँ पर सल्फर क्या है, नॉन मेटल। तो जब आपने क्या किया, नॉन मेटल को वाटर से मिक्स करवाया, यानी वाटर के अंदर नॉन मेटल को डिसॉल्व किया, तो क्या होगा, इससे जो आपको ऑक्साइड मिलते हैं, इससे जो क्या मिलते हैं बेटा, आपको ऑक्साइड मिलते हैं, उनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है बेटा, उनके ऑक्साइड का नेचर होता है क्या, एसिडिक। यानी उनसे जो मिलने वाले जो उनसे जो मिलने वाले जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक। इसके साथ यहाँ पर क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। लेकिन अपन को किससे मतलब था कि भाई जब सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा था, यानी कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बन रहा था, तो यहाँ पर उसका नेचर कैसा था, तो वो एसिडिक था, एसिडिक ऑक्साइड यहाँ पर देखने को मिला था। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, तो नेक्स्ट अगर अपन बात करेंगे जैसे कि आप, तो जब मैग्नीशियम को आप किसमें, किससे रेट करवाते हो, वाटर से। तो वाटर से रेट करना करवाने पर क्या होगा, आपका क्या बनेगा यहाँ पर, 2MgO, ठीक है ना, क्या बन जाएगा, 2MgO+H2, ठीक है ना। तो यहां पर क्या बन जाएगा आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन आपके अलग हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस यहां से निकल जाएगी। इसका अपन नेचर देखते हैं कि इसका नेचर कैसा होगा, तो बेटा याद रखना इसका नेचर होता है बेसिक ऑक्साइड। कैसा होता है, इसके जो ऑक्साइड बनते हैं वो कैसे बनते हैं, बेसिक बनते हैं। कैसे बनते हैं इसके ऑक्साइड, बेसिक बनते हैं। व्हेन We dissolve non-metal in water, they produce acidic oxide। यानी जब भी अपन क्या करते हैं बेटा, मेटल को वॉटर के अंदर डिजोल्व करते हैं, तो जो ऑक्साइड बनते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। और जब भी अपन मेटल को किसमें डिसोल्व करेंगे, अपन वाटर के अंदर डिसोल्व करेंगे, तो इससे बनने वाले जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक ऑक्साइड होते हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है कि भाई जब आप नॉन मेटल को वाटर में डिसोल्व करते हो तो कौन सा ऑक्साइड मिलता है, और नॉन मेटल मेटल को करते हो वाटर के अंदर डिसोल्व तो कौन सा ऑक्साइड मिलता है। ओके स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।